भाई 4x4 वाले एकदम आतंक मचा रहे हैं, देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे रुकने के लिए यार मजबूर हो गया। तो भाई अभी यहाँ पर हम भूल चुके हैं रास्ता, इसी को चढ़ना भाई। सबसे खतरनाक तो मुझे यही लग रहा है, और बगल में देखो कितनी जगह है। अरे भैया क्या न्यूज दे दी, मतलब हाथ मिला यार आप, मतलब देख रहे हो। भाई रुक गई बीच में ही, जय माता दी। ये तो भाई उसका भी बाप लगता है, जय माता दी। भाई खतरनाक है, खतरनाक है भाई, मान गया। ये अकेला कौन खड़ा भाई, शैतान भूत वूत तो नहीं है? मेहरबानी है भाई जी। ये आ गया भाई, ये पूर्ण ब्रिज, ठीक है, पूर्ण पूर्ण पहुंच चुके हम। यहाँ से तकरीबन 54 किलोमीटर बता रहा है भाई। ये तो चढ़ाई खत्म ही नहीं हो रही, पता नहीं क्यों चढ़ भी रहे हैं उतर भी रहे हैं, चढ़ भी रहे हैं उतर भी रहे हैं, पता नहीं कहाँ ही जा रहे हैं। ओहो फिर से एक चढ़ाई, चलो हम इसको चढ़ते हैं भैया। डर रहे हैं तो डर रहे हैं। ओ भाई बहुत ज्यादा ऊपर आ गया भाई मैं, ऐसा लग रहा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा मुझे। अभी बीच में एक जगह बाइक फंस गई थी भाई, घों घों कर रही थी भाई, ऊपर नहीं चढ़ रही थी और कोई था भी नहीं भाई, पूरी वैली में मैं अकेला, मेरी तो फट गई। भैया आप निकलेगी कैसे? लेकिन जय माता दी बोल के निकाल दी भाई, माता का सहारा। ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये क्या आफत है, ये क्या एडवेंचर कर रहे हैं यहाँ लोग। प्लेन है या तो एकदम भाई, 4x4 वाले एकदम आतंक मचा रहे हैं, देख रहे हो। हम ना मचाएंगे आतंक, हम चलेंगे आगे। शाम हो रही है, सूरज चाचू ढल गए हैं, अब हमको लग रही धीरे धीरे ठंड, और हो रही है हमको थोड़ी सी थोड़ी चिंता कि भैया शाम होते ही अपने घोंसले में पहुंच जाना चाहिए। गजब की वैली है भाई, जंस्कार वैली। अभी हम पहुंच चुके हैं यार जंस्कार वैली की उन वादियों में जहाँ भाई कोई नहीं रहता। कुछ लोग मुझे मिले हैं गाड़ी पे यार ड्रिफ्ट मारते हुए, और यहाँ के आसपास का एरिया इतना ज्यादा अच्छा है ना भाई, क्या बताऊँ कितना ज्यादा अच्छा है। मैं वैसे कई ऐसे ना सीन आ रहे थे तो मैं रुक नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे रुकने के लिए यार मजबूर हो गया। तो मैं दिखाता हूँ आपको, मजेदार है ना, डार्क ग्रीन कलर के पहाड़, ये देखो भाई गजब गजब है भाई, देख रहे हो। वहाँ देखो कुछ कार्स है, वहाँ पे फोटो शूट हो रहा है भाई, ड्रिफ्ट मार रहे हैं। ऐसी कुछ कहानी है यहाँ पे। अभी पदुमहल 40 किलोमीटर, और बता रहे हैं कि 20 किलोमीटर और खराब है, उसके बाद 20 किलोमीटर तारकोल आ जाएगा। चलो सुन के थोड़ा अच्छा लगा यार मेरे को, समझ रहे भाई। बहुत देर से बहुत ज्यादा मतलब यार दिक्कत आ रही है, बॉडी एनर्जेटिक नहीं है ना, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस चलते रहो तुम। तो इसलिए यार फटाफट यार एक दो फोटो खींचते हैं और फटाफट यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। 5:30 बज गए भाई अब। 1 hour later। तो भाई अभी यहाँ पर हम भूल चुके हैं रास्ता, और वहाँ एक अंकल जी ने भाई इशारे शोरूम बता दिया, इधर से आ जाओ इधर से आ जाओ। अभी वहाँ देखो वो टारमैक वाली रोड दिख रही है, और पीछे मैंने किसी से पूछा था, उसने बोला 20 किलोमीटर ऑफ रोड है, उसके बाद टारमैक रोड आएगी। तो 20 किलोमीटर कहाँ है भाई, और ये कहाँ है समझ में नहीं आ रहा भाई। मेरे को लगता है यहाँ नीचे से जाके वहां से फिर वो ऐसे आएगा, लेकिन अभी भाई समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं आगे चलते हैं थोड़ा। ये देख रहे हो किस तरीके की है भाई मिट्टी यहाँ पे, यहाँ पर दोनों ब्रेक लेके रखो भैया, नहीं तो बाप रे बाप, बड़ी खतरनाक है भाई। मिट्टी का डर नहीं है, मिट्टी और कीचड़ का डर तो अब निकल गया, तो यहाँ गिरने का डर है। अरे भैया पदुम बता दो, कोई है बंदा, बंदे की जात, अरे कोई तो बता दो कि कहाँ है पदुम, रास्ता ही भूल जाएंगे ऐसे तो। अरे कोई तो बता दो, देख रहे हो क्या क्या सितम संस्कार वैली ने किए हैं। 20 किलोमीटर किसी तरह बीत जाए भाई, फिर जो सुकून आने वाला है ना मजेदार होगा। वो मेरे पीछे बाइकर थे यार, वो भी पता नहीं कहाँ खो गए, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ। अरे कोई तो मिलो, भगवान जी किसी को भेजो ना जो एड्रेस बता दे मुझे। मेरे हिसाब से तो यार सही सही जा रहा हूँ, कोई पता नहीं, नेट चल नहीं रहा यहाँ, नेटवर्क आ नहीं रहे, कहाँ से देखूं। मुझे लगा मशीन में कोई होगा भैया,
चलाने वाला, इससे पूछ लूंगा। यहाँ तो मशीनें ऐसे खाली छोड़ के भाग जा रहे हैं भाई कि कौन ही ले जाएगा, पड़े रहने दो, आके काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही, और कहीं छोड़ते तो गायब हो जाती। अरे भैया कोई बंदा है यार मिलना चाहिए ना जिससे पूछे, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहा हूँ मैं, रास्ते डरावने हो रहे हैं। फाइनली यार बहुत देर के बाद ये चार बंदे दिखे हैं, इनसे पूछता हूँ, ये जरूर बता देंगे। और 99% मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में यार डर लग रहा था यार, रात होने वाली है, मतलब शाम तो हो ही चुकी है, सूरज ढल चुका भाई, तो अब अपने घोंसले पे पहुँचना जरूरी है ना। अब यहाँ हमें रास्ता ही नहीं पता, एक और समस्या, इनसे पूछते हैं। भैया पदुम कितनी दूर है अभी? होगा 35-40 किलोमीटर होगा। वो अच्छी वाली रोड कहाँ से है? वो आगे मिलेगा, बहुत आगे से। और आगे से घूम के यही पे आना है? आगे जाएगा तो मिलेगा। जा रहा है आगे से घूम के पदुम के लिए यही जा रहा है? नहीं नहीं ये तो सीधा आगे जाएगा। अच्छा आगे अच्छा रोड मिलेगा पदुम में? अच्छा आगे जाने। ये खराब रोड कितनी दूर है? होगा 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर? अरे भैया क्या न्यूज दे दी, मतलब हाथ मिलाओ यार आप, मतलब देख रहे हो, मतलब सुबह से चल रहे हैं भैया ऐसे कंकड़ पत्थर पानी। मैं अभी तो नजीक है, 3-4 किलोमीटर बस नजीक आ गया अभी। अच्छी रोड मिल जाएगी फिर पदुम तक। सही है सही है। आप लोग जा रहे हो काम वाम करके? इधर ही काम करते हैं। और रहते कहाँ? इधर ही पूरा आगे घूम के घूमने जा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा ये इवनिंग वॉक। चलो अच्छा लगा बात करके। टॉफी खाओगे यार? टॉफी है बहुत सारी यार। ये लो उन भाइयों को भी दो। ये लो अपने रास्ता बता दिया भाई, जान में जान आ गई हमारी। ठीक है जी चलो चलो जी झूले भाई। देख रहे हो मैं कह रहा था ना भाई, सही तो जा रहे हैं हम, कह रहे 3-4 किलोमीटर है बस खराब रास्ता, उसके बाद तो मौज एकदम टार्मेक रोड आ जाएगी तुम्हारी, पर दे धपा धप पहुंच जाओ तुम पदुम। आज का तुम्हारा जो ये हसल है ना ये खत्म हो जाएगा। टार्मेक रोड भी ऐसी ना हो भैया, दे चढ़ाई पे चढ़ाई, दे चढ़ाई पे चढ़ाई 20 किलोमीटर, पता चले 2 घंटे लग जाए उसी में। अब जैसी भी होगी भाई जाना तो है ही है। ठीक है ये वाले रास्ते ज्यादा डरावने, लेकिन भाई ये क्यों रुक गए भैया? 4 किलोमीटर और है खराब रास्ता। मैंने कि भाई बता दूं, ओ भाई एकाएक ऐसे भाई ढलान आ जाती ना, राहुल पांडे डर जाता है भाई थोड़ा सा, समझ रहे हो? वो भाई सामने जो मैं देख रहा हूं ना चढ़ाई, ऐसा लग रहा है भैया फर्स्ट फ्लोर से हमें 5th फ्लोर पे जाना है, और वो भी एकदम स्ट्रीप है, देख के डर लग रहा है मुझे। और ऐसा मजाक की बात नहीं भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। वो देख रहे हो भाई कहाँ चढ़ना है, रिवर्स आ गई ना लग जाएंगे फिर, इसी को चढ़ना भाई, सबसे खतरनाक तो मुझे यही लग रहा है। और बगल में देखो कितनी जगह है, जरा भी नहीं, डायरेक्ट नीचे जाओगे नदी में। चलो भाई माता जी का नाम लेके शुरू करते हैं, जय माता रानी, अच्छे से पार करा देना ये भी। देख रहे हो कितना ज्यादा स्टीप है भाई। जय माता दी। चढ़ 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 जा भाई चढ़ जा। भाई बहुत ज्यादा भाई ऊंचाई है इसकी, अभी तक एक भी ऐसी ऊंचाई नहीं आई थी। ओ भाई जय माता रानी की। ओ भाई रुक गई बीच में ही।
जय माता दी। 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 मदद, माता रानी मदद, माता रानी मदद। माता रानी मदद। देख रहे हो भाई क्या चढ़ाई है भाई, अगर इस पे नीचे स्किट हो गई ना डायरेक्ट नीचे जाऊंगा। हाँ जय माता दी। हो 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 जंस्कार, जंस्कार तू तो जान ले लेगा ऐसा लग रहा है। हाँ जय माता रानी की, जय माता रानी। हो 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 भैया पहाड़ों पे चढ़ना है, माता रानी का नाम तो लेना ही पड़ेगा ना, बिना माता के क्या ही हो सकता है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब सब अच्छा होगा भाई, सब अच्छा होगा। देख रहे हो भाई कितनी कितनी ऊंचाई है। घूमना पड़ रहा है ना इसलिए थोड़ा स्पीड कम करना पड़ जाता है, नहीं तो एक बार में चढ़ाने वाला भी ज्यादा खतरनाक ही है वैसे। हाँ हाँ भाई क्या ही हो रहा है, आज लाइफ का सबसे ज्यादा एडवेंचरस एक्सपीरियंस है ये, इससे ज्यादा एडवेंचर मैंने कभी नहीं किया जिंदगी में। आज का दिन याद रहेगा, 25 जून 2022 को मैं स्पीति के लिए स्टार्ट किया था और आज 25 जून 2023 को देख रहे हो जंस्कार वैली में इतना खतरनाक एडवेंचर हो रहा है। ये तो भाई उसका भी बाप लगता है। जय माता दी। जय माता दी। कमॉन शाइन, कमॉन कमॉन। जय माता दी। ओहो भाई यहाँ ना वीडियो बनाने के लिए मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ भाई, यहाँ तो जिंदगी और मौत का सवाल है ये जान लो। आओगे तब देखना भाई, जो जो वीडियो देख रहा है ना यहाँ आना 125 सीसी बाइक से, और करना फिर जरा कमेंट करना मुझे क्या हालत है। ओ भाई खतरनाक है, खतरनाक है भाई, मान गया। मेरा एक दोस्त है उसने बोला था भाई ऐसी ऐसी चढ़ाई है ना भैया एकदम फट जाएगी तुम्हारी, मान गया भाई तुम्हारी बात, ऐसी ऐसी चढ़ाइयां है ना, आदमी तो जान तो ऐसे मुंह में लेके घूमता आदमी। भाई और चढ़ना ऊपर अभी तो, ये अकेला कौन खड़ा है भाई, शैतान भूत वूत तो नहीं है, अकेला ऐसे खड़ा है जैसे फिल्मी हीरो गब्बर सिंह। गब्बर सिंह तो डाकू था भाई। पदुम कितना दूर है अभी, पदुम पदुम किलोमीटर। अच्छा यहाँ से अच्छी वाली रोड कब आएगी, 20 किलोमीटर जाके आगे। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू। वो भाई के नेटवर्क आ रहे हैं या गाने सुन रहे भाई, एयरपोर्ट लगा के मौज मार रहा भाई की आवाज में दम था, लेकिन 43 किलोमीटर जाना है, अच्छी सड़क कब आएगी, 20 किलोमीटर जाना। चलो जी बंद करते हैं, फिर आगे कुछ आता है दिखाता हूँ, ठीक है, बैटरी भी बचा के रखनी है भाई पहुंचने तक। 1 hour later पदुम जाना है, पदुम
अच्छा रोड कितने किलोमीटर है? अच्छा 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 टॉफी खाओगे? आ जाओ आ जाओ, ये लो जी। मेहरबानी मेहरबानी है भाई जी। मेहरबानी मेहरबानी ऊपर वाले। आप यही रहते हो? अच्छा, यहाँ सर्दी में तो खूब बर्फ पड़ता होगा? बैठा है ना सर्दी में, यहाँ बैठा है बर्फ। अच्छा अच्छा, खाली घर में रहते हो? हाँ? सर्दी में नीचे नहीं आते सर्दी में? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, झूले। भाई ऐसे ना बहुत सारे लोगों से मैंने एड्रेस पूछा, भाई कितनी दूर है कितनी दूर है, कब आएगी अच्छी रोड, अच्छी रोड कब आएगी, समझ रहे हो? मतलब 50 लोगों से पूछ लिया हुआ, दिल को थोड़ी तसल्ली मिलते रहती है भाई, समझ रहे हो? ये अम्मा बड़ी सही थी, मेरी लैंग्वेज ना इनको समझ में नहीं आ रही थी, मैंने खाली पदुम बोला तो वो समझ गई, पदुम पदुम, शायद इन्हें हिंदी ना आती हो, तो बता रही है कि पदुम एक घंटा है अभी। और पीछे एक भाई मिले थे, वो कह रहे 2 किलोमीटर बाद अच्छी रोड आ जाएगी, बाकी उसके बाद 20 किलोमीटर और पदुम है। सबसे पूछते पूछते पहुंच रहे हैं भाई, आज का जो हमारा राइड है ना इतिहास में दर्ज होगा, बस जांस्कार की राइड, राहुल पांडे व्लॉग्स, 125cc, और भाई मोस्ट एडवेंचरस राइड इन माय लाइफ। अब तो बस ऐसा लग रहा है कि खाने को मिल जाए और लेटने को मिल जाए, कुछ नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा थक गया हूँ ना, इतना ज़्यादा ना, मतलब हद होती है ना, हद पार, लेकिन फिर भी चलाना पड़ रहा भाई, पहुँचना है आज। ये जो आप मेरे सामने पहाड़ देख रहे हो ना भाई, इस पूरी वैली में कोई भी नहीं है भाई, मैं सिर्फ अकेला राइड कर रहा हूँ, यहाँ कोई भी नहीं है। काफी देर से यार चले जा रहा हूँ, सही रोड के आने का नामो निशान तक नहीं मिला अभी तक, तो जो मिल रहा है किलोमीटर बढ़ाई देता है, कोई बोलता है 5, कोई बोलता है 10, कोई बोलता है 20। और इस वैली में ना जो आप देख रहे हो लाल लाल पहाड़, ये जंस्कार वैली है, और इस वैली में कोई भी नहीं है अभी मेरे सिवाय। एक अलग ही एक्सपीरियंस है भाई ये सब। बहुत लोग बोलेंगे भैया कहाँ जाते हो इतनी डरावनी जगह पे, भाई एक्सपीरियंस है बस और कुछ नहीं। अच्छी रोड की तलाश तो हम कहाँ छोड़ने वाले हैं, अच्छी रोड तो आ ही जाएगी अब, 2-4 किलोमीटर में 10 किलोमीटर के अंदर आ जाएगी, बस चलते रहोगे ना तो ही मंजिल मिलेगी, ऐसा मेरे को लगता है। अगर सोचे कि यार ये हो गया है अब नहीं हो सकता, ना तुम्हारा जो काम है तुम करते रहो, ऊपर वाला पागल थोड़ी है, वो भी देखता है भाई, शरीर तो एकदम बहुत तेजी से टूट रहा है, समझ रहे हो, इतनी ज्यादा थकान है, देख रहे हो ऐसी वैली में, ये देख रहे हो ये चढ़ाई देख रहे हो आप किस तरीके की है, संस्कार करने आए हैं संस्कार। भाई चढ़ा लो उसको, यहाँ पत्थर उत्थर गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये पहाड़ तोड़ रहे हैं ना रास्ता बनाने के लिए। अगर आप लोग जंस्कार की राइड करने आ रहे हो ना भाई, जिसके पिछवाड़े में दम हो ना खूब खूब सारा, थोड़ा सा नहीं खूब सारा दम हो तभी आना, नहीं तो मत आना, नहीं तो आपकी ना दम निकाल लिया जाएगा आपका, मेरा देखो निकल ही रहा है बस, लेकिन फिर भी मान नहीं रहे हम कि अच्छी रोड तो ढूंढ के छोड़ेंगे आज, अच्छी रोड आएगी और पदुम पहुंचेंगे हम, चलते रहो बस, आगे फिर से मिलता हूँ भाई, अभी कैमरा जरा बंद करता हूँ। ये वो गाड़ियां हैं जो ड्रिफ्ट मार रहे थे वहां, जहां प्लेन एरिया मैंने दिखाया था ना आपको, वहां पे ड्रिफ्ट मार रहे थे भाई लोग, अब आ गए। तीन गाड़ियां इनकी, और भाई सलाम करके गए मुझे, बोले भाई हैट्स ऑफ है इस गाड़ी पे तुम जंस्कार वैली कर रहे हो, तो मेरा कैमरा बंद था
मैं बताना चाहता था लेकिन कैमरा बंद था, तो कैसे दिखाऊं मैं आपको। जिस चीज का इंतजार था भाई देख लो, पलुम भाई फाइनली रोड आ गई। अब तो यहाँ ब्रेक लूंगा भाई, रोड आ गई फाइनली। ओहो या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने भाई रोड दिला दी। देख रहे भाई क्या मिल गया, खजाना है, खजाने से कम नहीं है ये, समझ रहे हो। सुबह से भाई रोड नहीं मिली, पिछवाड़े का तो क्या ही हाल हो गया, पर क्या बताऊं मैं। और फाइनली पदुम 22 किलोमीटर यहाँ से अब, और अच्छी रोड पे बस खींचते जाओ। लेकिन अभी खींचने की हालत भी नहीं है मेरी, इतना ज्यादा थक गया हूँ यार। हालत देखो शाइन की, ओहो क्या बताऊं मैं, इतनी ज्यादा खुशी हो रही ना भाई, टार में रोड आ गई फाइनली। डर तो चलो हो ही रहा है यार, लेकिन इस वाली चीज को सेलिब्रेट तो करना बनता है भाई। कैसे सेलिब्रेट करें, वीडियो बना के भैया, वीडियो में अपनी खुशी बता के, और कुछ सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे है नहीं। 22 किलोमीटर है, 22 मिनट में लगा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, समझ रहे हो। 7:30 बज रहे हैं अभी। देखो क्या सुकून मिल रहा है भाई, सुबह से भाई तकरीबन 150 किलोमीटर होगा, ऐसा भयंकर रोड, बादल और ग्राम्फू से भी भयंकर 150 किलोमीटर भाई, भाई समझ लो मतलब आधी मौत हो गई थी भाई। तो भाई देख रहे हो, पदुम तक मेरे ख्याल से ऐसे ही रोड है। भाई अच्छी वाली रोड पे बहुत देर से चले जा रहा हूँ भाई, किलोमीटर खत्म ही नहीं हो रहा है, आधे घंटे से ज्यादा हो गए मुझे। और बीच बीच में कहीं कहीं पुल बने हुए, और कहीं कहीं भाई वाटर क्रॉसिंग वैसे ही है। मेरा पूरे दिन में मतलब जितना वाटर क्रॉसिंग में भीगा था, जीन्स और शूज सब सूख गया था, लेकिन अभी देखो फिर से गीला हो गया पूरा घुटने तक था, क्या करें अभी, ऐसी ये चीजें भैया। यहाँ पदुम बस पहुंचने वाले हैं यार, 5 किलोमीटर रह गया, सूरज अभी ढला नहीं है पूरी तरह, उसका उजाला देखो अभी तक है, तकरीबन 8 बज रहे हैं। जाके होटल ढूंढना है, खाना है, डेटा लगाना है ट्रांसफर पे, चुपचाप सो जाना भाई, कुछ नहीं करूंगा और कुछ भी नहीं, हिम्मत ही नहीं है भाई। पैरों में इतनी तेज ठंड लग रही है ना भीगने की वजह से, बहुत ज्यादा तेज ठंड लग रही है भाई, ऐसा लग रहा है सुनने पड़ गए हैं भाई, एकदम काम ही नहीं कर रहे हैं। फाइनली राहुल पांडे पहुंच चुके हैं पदुम, ये है पदुम की मार्केट, सुबह चलते टाइम दिखाएंगे, इस समय हमारे पास कलेजा नहीं है दिखाने का। होटल कहाँ मिलेगा भैया, यहाँ पे होटल वगैरह कहाँ मिल जाएगा? जूम हाँ मिलेगा, यहाँ से राइट ढूंढने के बाद मेरे को ये मिला। मैं ये बता रहा था कि मैं होटल ढूंढ रहा था, मैं ढूंढते आगे चला गया, मार्केट ही खत्म हो गई, मैंने कहां मिलेगा भाई, कहीं मतलब दिख ही नहीं रहा था प्रॉपर कि यार कहां जाके मतलब मार्केट मिलेगी। तो जो सामने दो बंदे चल रहे थे ना वीडियो में, मैंने आपको बताया था, तो वो दो बंदों से मैंने पूछा कि भाई कहाँ मिलेगा, इन्होंने कहा भाई एक सामने अच्छा सा होटल था, तो मैंने उसमें पूछा कि भाई इसमें मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, इन्हीं बंदों से, तो उन्होंने कहा इसमें बहुत महंगा है, इसमें मत लो, हम तो आपको एकदम सस्ता वाला दिलाते हैं, आ जाओ। तो मुझे लगा था फ्रॉड व्रॉड तो नहीं कर रहा है, मैंने कहा यार चलो देखते हैं जो होगा। उन्होंने लाया यार ये वाला रूम दिखाया जिसमें अभी मैं हूँ, तो ये मेरे को मिल गया 1200 में विथ डिनर, ठीक है। अभी मैंने सारा डेटा वगैरह ट्रांसफर पे लगा दिया है। और पदुम के अंदर ना एक चीज़ है भाई, जब भी आप आओगे ना चार्जिंग वगैरह ध्यान से देख लेना
क्योंकि यार 12 बजे लाइट कट जाती है और सुबह 6 बजे आती है। ये यहाँ पूरे संस्कार का नियम है, पूरे दिन लाइट रहेगी लेकिन रात के 12 बजे कट जाएगी और सुबह 6 बजे ही देंगे, बीच में लाइट का कोई इंतजाम नहीं है। यही सारी चीजें थी यार, और आज की राइड जो थी बहुत ही बहुत ज्यादा खतरनाक थी। और एक बैड न्यूज मिली है यार हमें, बैड न्यूज ये है कि भाई जो चीज हम करने आए थे ना लिंक शेड होके लामा यूरू जाने का, और अपना सिंगेला पास अपना और सिरसिला पास, ये सारी चीज़ें यार बंद हो चुकी हैं। वहाँ पे फ्लड आ चुका है, बर्फ इतनी तेज़ी से पिघल रही है कि यार वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा पानी हो गया वहाँ पे, इसलिए वो जाने नहीं दे रहे वहाँ पे। ठीक है, अभी होटल वाले भाई साहब ने मुझे बताया था, तो देखते हैं यार कल का प्लान कुछ और करेंगे, हो सकता है कारगिल चल जाए, देखते हैं जो भी होगा कल की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा थका हूँ इसलिए मैं लेट के ये शूट कर रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है भाई कि मैं आपको होटल दिखा दूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है ये जान लो। बैक कैमरा से ऐसे दिखा सकता हूँ भाई कैसा है, ठीक है, लेकिन उठने का हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। ये देखो ये सारा सामान वामान रखा है, मैंने इसको साफ कर दिया था, पूरा धूल धूल हो गया था, और वहाँ पे देखो वो सारा मेरा चार्जिंग का मटेरियल है, सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है लैपटॉप से हार्ड ड्राइव में, और उसके बाद चार्जिंग पे लगा दिया मैंने हीरो गोप्रो की बैटरी, पावर बैंक, और उसके बाद ये देखो ये यहाँ पे बैग है, मैंने अपने कपड़े बदल लिए, वहाँ पे देखो ये राइडिंग जैकेट है, ये पैंट ऐसे पड़ी हुई है गीली है ना, तो मैंने इसको वहीं रख दिया था। तो फाइनली यार इस वीडियो को यार यहीं पे एंड करते हैं, तो कैसी लगी आपको वीडियो, वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट करके यार ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Oh, 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 oh